दोस्तों, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस अब तक भारत के करीबन 8 राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से उज्जैन में एक व्यक्ति की इससे मौत भी हो गई। इसके अलावा अगर दुनिया की बात करें तो अब तक डेल्टा प्लस वायरस अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड समेत करीबन 85 देशों में मिला है। कोरोना वायरस का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा, अब ये वायरस 8 राज्यों के साथ अब धीरे धीरे और राज्यों की तरफ भी बढ़ रहा है। WHO ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा हालत अगर वैसे ही बना रहा तो COVID-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रभाव डेल्टा के अन्य वेरिएंटों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक रहेगा। WHO ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें कहा है, कोरोना वायरस का वेरिएंट हर कंट्री में अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिला। जैसे कि अल्फा वेरिएंट 170 देश में देखने के लिए मिला, वहीं बीटा वेरिएंट 119 देश में, वहीं अगर गामा वेरिएंट की बात करें तो वो 71 देशों में देखने के लिए मिला, और इसके बाद सबसे खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट, ये करीबन 85 देशों में देखने के लिए मिला। लेकिन एक चीज हम जरूर कंफर्म कर सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के टीकों का अभियान तेजी से चल रहा है, तो ये टीका अन्य वायरस के खिलाफ भी काफी ज्यादा असरदार देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वायरस अपने वेरिएंट्स को चेंज कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये टीकाकरण भी काम में ना आए। तो दोस्तों, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोरोना वायरस आने वाले समय में क्या क्या रूप बदलता है। तो गाइस, जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आता है तो ज्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।